नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौर, रियल फार्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम मक्का की खेती के बारे में बात करेंगे और ज़्यादातर मक्का में इल्लियाँ काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं, चाहे आपकी मक्का छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो चलिए किसान भाइयों, और बहुत बेहतरीन मैं दवाई बताऊंगा। सबसे पहले देखो, मक्का में जो इल्लियाँ हैं उनको पहचानते हैं, आइए मेरे साथ। क्योंकि किसान भाइयों, सबसे पहले रोग की दवाई, बाद में सबसे पहले रोग देखना चाहिए हमारी फसल में, क्या वाकई में ये वाला रोग है क्या नहीं है। तो जैसे कि किसान भाइयों, इस समय आप इस पेड़ को देख रही हो, मक्का के को, इसमें क्या है, इसमें इल्लियाँ लगी हुई हैं। और इल्लियाँ मक्का में किसान भाइयों दो तीन तरह की लगती हैं। तो सबसे पहले तो जड़ में भी लगती है, और देखो तने में लगती है, और इसमें सुंडी है ना, वो दो तीन तरह की होती है। एक तो पत्ते खाने वाली होती है, एक बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसका ये कोपल देख रहे हो, इसको बीच में से काट दिया है, और इसका मतलब ये है कि इसका जो पौधा है ये डेवलप नहीं करेगा ज़्यादा, क्योंकि इसका तो पूरा ही ख़त्म कर रखा है इसने। और जब ये इल्ली आपके खेत में एक पौधा ऐसा दिख जाए, तो ये मान लीजिए आने वाले एक हफ्ते में काफ़ी पौधे ऐसे हो जाएंगे। जैसे कि मैं अभी आपके लिए दिखाऊं, इसके देखो बराबर वाला भी पौधा ऐसा ही हो गया है, इसके बराबर वाला भी ऐसा ही हो गया है, और साइड वाले भी ऐसे ही हो गए हैं। तो इसमें देखो इल्लियां आप जो देख रहे हो, इसमें ये अब मर चुकी हैं। इसमें कौन सी दवाई यूज करी गई थी ये अभी मैं बताऊंगा, जिससे किसान भाइयों 100% रिजल्ट आया है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले इस वीडियो में आपको बने रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और लोगों के पास सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या है कि हम जो वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और इस वीडियो को शेयर करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि और किसान जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और वो ज़्यादा परेशान ना हों। और देखो किसान भाइयों, इस समय क्या है कि जो इल्लियाँ हैं हमारे खेतों में, वो इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं कि इस इल्लियों पर हर दवाई काम भी नहीं करती है। इस इल्लियों को बोलते हैं फॉल आर्मी बार्म, यानी FAW इसका पूरा नाम बोलते हैं वैसे शॉर्ट में FAW, फॉल आर्मी बार्म। तो किसान भाइयों, ये क्या कर रही है इल्लियाँ, काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक स्थिति में आती है, और खेत में केवल एक हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर जाती है। चाहे आपकी मूंग की खेती हो, चाहे मक्के की खेती हो, चाहे आपके गन्ने की खेती हो, ये गन्ने में भी काफ़ी आने लग गई है अब। तो किसान भाइयों, और ये हमारी चारे वाली फसल जैसे ज्वार में भी आती है। तो अब किसान भाइयों, हम सबसे पहले ये ही बात करेंगे कि आपने लगभग हर खेत में ये ऐसी इल्लियाँ आप देखते हो, चाहे आपकी मक्का छोटी हो चाहे बड़ी हो। पहले अपने खेत में जाके पूरी तरह इल्लियों को पहचानना है, फिर दुकान वाले के पास अगर जाते हो, वो प्रोफेनोफॉस या साइफरमेथ्रिन देता है, तो आपको वो नहीं लाना है, क्योंकि ये काम नहीं करेगा, या पूरी तरह ये काम नहीं करता है। और एमावेक्टिन वेंजोट भी काम नहीं करेगी, काफ़ी दवाई इस पर काम नहीं कर रही हैं। तो इसमें सबसे बेहतरीन दवाई कौन सी है, हम दो तीन दवाई के नाम बताएंगे, उनमें से आप किसी एक को लगाते हो तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट हैं, जो कि आप रिजल्ट सामने देख रहे हो। हर मक्के के पौधे पे इल्लियाँ हर मरी हुई हैं, जहाँ पे उसने दवाई पहुँच गई है वो वहीं मरी हुई है, और पूरे पौधे में ये कहीं पर हो वहीं मरी मिलेगी हमको। ये देखिए इस पौधे के ऊपर आप देख रही हो, इस पर चिपकी हुई है बिल्कुल, यानी इसका थोड़ा सा इसने दवाई, इसकी ये मान लो इतनी बेहतरीन दवाई है ये कि इनका बस कॉन्टैक्ट आने में ही ये मर जाती हैं, आज नहीं तो कल इनको मरना ही है अगर ये दवाई इस खेत में लग गई है। तो किसान भाइयों, दवाई मैं अभी बताऊँगा। सबसे पहले अभी मैं आपके लिए एक बात और दिखा दूँ कि आपको लग रहा होगा कि ये सो गई है, कोई मरी नहीं है, तो हाथ में लेके दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये देखिए किसान भाइयों, और एक नहीं ये तो बहुत इल्लियाँ इसमें, ये देखिए कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, ये पूरी तरह मर चुकी है, चार दिन बाद बिल्कुल सूख जाएगी ये। ये देखिए आज जो आप देख रही हो। तो किसान भाइयों, इसमें इन किसानों ने दवाई लगाई थी, दवाई हमने बताई थी इनको, इन्होंने दवाई लगाई, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आए, और अब हम आपको भी बताएंगे। और एक किसान भाइयों, प्रॉब्लम ये है कि इल्लियाँ जड़ में भी लगती हैं, जैसे ये पौधा सूख रहा है ऊपर को, ये ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें इल्लियाँ लग सकती है जड़ में। तो वो जड़ वाली अभी हम देखेंगे, पहले इसको भी देखना जरूरी है जड़ वाली को, फिर हम आपको बाद में दवाई बताएंगे दोनों की। तो काफ़ी बढ़िया काम करती है वैसे तो। देखो अगर जड़ में इल्लियाँ आए तो आपको जल्दी पानी देने से इल्लियाँ जड़ वाली तो कम हो जाती है, ये बात तो हकीकत है, ठीक है, क्योंकि वो जड़ में ही बैठी रहती है, और जैसे ही हम पानी दे रहे हैं तो उसको जगह नहीं मिलती है, और जैसे ही वो आपके पौधे में घुसती है वही सो ही मर जाती है वो, क्योंकि आपके पौधे में दवाई लगी रहती है। तो ये देखिए जड़ यहाँ से इसने काट रखी है, अब हम दिखाएंगे आपको, देखते हैं पहले इसमें इल्लियाँ है या नहीं। देखो इसमें 100% इल्ली है, क्योंकि ये ताज़ी है, ये पौधा पूरी तरह सूखा नहीं है। और इसमें ये देखिए इसके नोड पर छेद हो रहा है एक, जो किसान भाइयों ये हल्का सा छेद हो रहा है इसमें, इसका मतलब क्या है, छोटी सी इल्ली हो सकती है जो इसमें अंदर घुसी है। मैं अभी आपके लिए प्रैक्टिकल तौर पर दिखाने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, हमारी जो वीडियो है ना वो उसमें क्या है कि आपके लिए बिल्कुल साक्षात दिखाई जाती है, इसमें कोई फर्जीवाड़ा आप बता नहीं सकती हो कि
भाई आपकी इल्लियाँ कौन सी है, दवाई कौन सी बता रही हो? बिल्कुल पहले हम रोग को पहचानते हैं, बाद में आपके लिए दवाई बताते हैं। तो ये देखिए, इसमें जैसा हमने सोचा वैसे ही निकली है, छोटी सी इल्ली निकली है इस वाले पौधे में, जैसे कि आप देख रही हो। ये भी FAW की ही छोटा ये लार्वा है, जैसे कि आप देख रही हो। और इल्लियाँ कहाँ से आती हैं, इस पर एक वीडियो तो हमने बना दिया, एक वीडियो डिटेल वीडियो हम बनाने वाले हैं, और एक हमारी वीडियो मूंग की खेती के ऊपर भी आएगी, मूंग में भी हम इल्लियों को बताएंगे आपके लिए। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इल्लियाँ हैं इस समय की, मक्का और मूंग में। तो किसान भाइयों, इसमें हमने जो दवाई का यूज किया था, अब हम आपको बता दें दवाई। किसान भाइयों, हमने जैसे ये जड़ वाली है, ये आप कहेंगे कि वो मर गई, ये क्यों नहीं मरी? किसान भाइयों, हो सकता है ये बाद में आई हो या मर जाएगी एक दो दिन में, या इस पौधे पर दवाई ना पहुँची हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, अगर पानी लगा देते हो तो पौधे आपके कम सूखेंगे, कुछ ही पौधे सूखेंगे, ज़्यादा कोई पौधे नहीं सूखेंगे, और एक दो पौधा सूखने से कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान भी नहीं है। लेकिन ये पूरे खेत में अगर फैल गई तो बहुत बड़ा नुकसान कर जाती है, आपके पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो अब किसान भाइयों, इसमें अगर दवाई की बात करें, दोनों के लिए हमने FMC की कोराजन आती है, आपको कोई भी दवाई यूज नहीं करनी है, FMC की कोराजन, और या फिर किसान भाइयों आपको डाव कंपनी की डेलीगेट यानी डूपोंट और डाव मिक्सिंग हो गई है कंपनी कोर्टिवा, तो उसकी डेलीगेट आती है। डेलीगेट को लगाने से किसान भाइयों, वो डेलीगेट थोड़ी महंगी पड़ती है कोराजन से, और इस खेत में कोराजन लगाया था, लेकिन कोराजन का रिजल्ट किसान भाइयों 12 से 13 दिन का है या 15 दिन का है, और जो डेलीगेट है डाव कंपनी की, उसका 20 दिन का रिजल्ट है। वो थोड़ी 10-20 रुपये, 50-100 रुपये महंगी आती है, 100-200 रुपये तक महंगी आती है एक एकड़ में। किसान भाइयों, ये 60 ml लगती है कोराजन, 60 ml लगती है एक एकड़ में कोराजन। और किसान भाइयों, इसका जो आपको 200 लीटर पानी में घुल बना के और ये छिड़क देना है, काफ़ी बेहतरीन काम है। शाम के टाइम लगाओगे तो और अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि इल्लियाँ शाम के टाइम पौधे को खाती है। तो किसान भाइयों, हमारी जानकारी कैसी लगी? हमने पूरी डिटेल में जानकारी आपको दी है, इल्लिया पहले दिखाई है फिर दवाई बताई है। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। नमस्कार।